वेलकम टू अद्भुत करंट अफेयर्स। दुनिया सोच रही थी, यहाँ पे दुनिया यानी कि वेस्ट, ये जो हमारे नीचे जो नेता खड़े हैं, रशिया की इकोनॉमी को आइसोलेट करके शैटर कर देंगे, कई सारे सैंक्शंस भी लगाए। लेकिन पुटिन को ये नामंजूर था, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि यूरोप घुटने टेकने को मजबूर है। रशिया चाहता है कि यूरोपियन कंट्रीज रशिया को ऑयल पेमेंट्स रूबल में दें। आखिर ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि रशिया की ऑयल एंड गैस मार्केट यूरोप के मार्केट पे मोनोपोली है। जब वेस्ट ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए, शुरू में रूबल्स की वैल्यू में काफ़ी गिरावट दर्ज हुई थी, लेकिन रूबल्स में पेमेंट सेटल करने के डिसीजन से रूबल हैज एप्रिशिएटेड, बढ़ा है जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है। पुटिन ने मैनेज कर लिया है कि अपने स्टॉन्च रवैये से रूबल को कैसे स्टेबल करें। यूरो जिसकी वैल्यू आज $1 के बराबर है, आपको विश्वास नहीं होगा, आप जान के देखिए, गूगल में रिसर्च करके देखिए, जो लोग करेंसी को ट्रैक करते हैं वो जानते हैं कि यूरोप डॉलर से एक्सपेंसिव था। तो आप ये मान सकते हैं कि इंडियंस के लिए अभी बेस्ट टाइम है यूरोप में छुट्टियां मनाने के लिए अभी, क्योंकि पॉकेट पे कम वेट पड़ेगा। जर्मनी, जिसे कि यूरोप का हार्ट समझ सकते हैं, पहली बार ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा है।